बज गए हैं 12:30। तो अभी मैं यार सुबह उठ गया था मैं 6 बजे, तो दुआई दुई खा के फिर सो गया था मैं दोबारा, क्योंकि यार कल मैं नहा लिया ना तो गर्मी बहुत थी, तो मैं नहा लिया था उधर शाम के टाइम। उसके बाद ना मेरी तबीयत थोड़ी डाउन सी हो गई थी, फिर रात रात भर भी ऐसा ही रहा यार। फिर सुबह उठा, फिर गाड़ी वाले से दवाई ली बुखार की, वो खाकर सो गया था। अभी उठा और अभी बज गए हैं दिन के 12:30, तो अभी यहीं चित्तौड़गढ़ बाईपास पर ही है यार, क्या करें यार, लेट हो गई काफ़ी, और अभी भी थोड़ा शरीर डाउन ही है। मतलब ऐसे मतलब शरीर पूरा टूटा पड़ा है यार, बुरे हाल है। देखते हैं यार आगे जाके दवाई लेंगे या करते हैं कुछ। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। दोस्तों रात को मैं पहुंच गया था इधर, तो अब 12:30 तो हो गए हैं, सोच रहा हूँ यहीं से खाना खा लेता हूँ और फिर चलता हूँ। तो अब खाना खाते हैं और फिर चलते हैं यार, और क्या करें, बाकी तो गाड़ियाँ और भी है इधर, पता नहीं कब जाएंगे। तो दोस्तों बाथरूम बूथरूम जाके आ गया मैं, अब पूरे 1 बजने वाले हैं, तो अब खाते हैं खाना फिर चलते हैं यहाँ से यार, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए यार। आगे भी देखते हैं, और ऐसे भी आगे अब मंगलवार को ही पहुँचूँगा मैं, मंगलवार को फिर शिवरात्रि है तो छुट्टी होगी उसकी। चलो देखते हैं जैसा भी होगा यार, चलना तो पड़ेगा ही यार, और मन नहीं लग रहा, बेचैनी सी हो रही है यार, क्या करें। और एक तो रूस और उसकी लड़ाई हो रही है, तो न्यूज़ सुन के भी भाई दिमाग फटने में आ जाता है यार, पता नहीं कब ये लड़ाई ख़त्म होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो देखते हैं यार, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि बस जल्दी से जल्दी ये लड़ाई समाप्त हो जाए, राहत मिल जाए यार, मासूम लोगों की जान जाती है ना, फिर बड़ा दुख लगता है यार। ज़िंदगी कौन सी बार बार मिलती है यार, एक ही बार मिलती है, तो बिना मतलब से किसी की जान चली जाए अच्छा नहीं लगता यार। तो देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए यार, जल्दी जल्दी लड़ाई रुक जाए, समाप्त हो जाए। वो देखो गाड़ियाँ आ रही है, देखो उधर होटलों में काफ़ी गाड़ी है। वो हमारी नालागढ़ की गाड़ी लगी है 6 चक्की उधर होदी के पास, वो साफ सफाई कर रहे हैं। ये आ गई DDS लॉजिस्टिक, और दोस्तों ये खड़ा है अपना ट्रक राहुल। तो यार इसको ना बस साफ सफाई करेंगे यार, आज करनी थी साफ सफाई, तभी ये ठीक नहीं है। देखो होटल जय भवानी एंड रेस्टोरेंट, तो अब खाते हैं खाना। देखो आगे से ऐसा है कुछ, तो यहाँ पे खड़ी करी है रात की 8 बजे की, तो यहीं पर रह के खड़े अब। ये आ गया अपना कड़ी और रोटी सलाद, और खाते हैं दोस्तों खाना। तो दोस्तों लंच अपना हो गया यार, बड़े मुश्किल से 2 रोटी खाई गई यार, आंख बंद कर करके 2 रोटी खाई है। अब खाते हैं दवाई यार, फिर करूँगा रेस्ट, फिर शाम के टाइम चलूँगा यहाँ से। मेरा शरीर बहुत ही डाउन हो रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया यार, इस बारी हूँ भी अकेला ही, क्या करें यार। 2 रोटी बड़े मुझसे आँख बंद करके खाई यार, बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। तो चलो दवाई खाऊँगा, तो उसके बाद रेस्ट करता हूँ 2 घड़ी, फिर देखते कैसा रहता है माहौल, नहीं तो होटल वाले अंकल को बोलना पड़ेगा कि हॉस्पिटल ले चले यार। देखते जैसा भी होगा यार, पता नहीं क्या हो गया एकदम से यार। चलो रेस्ट कर लेता हूँ, दवाई खाता हूँ दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं बिल्कुल अब ठीक हो गया, दवाई खा के रेस्ट कर रहा था, तो अब 5:30 हो गए हैं, तो सोचा अब चलते हैं, थोड़ा शरीर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है, देखते हैं आगे तक चलते हैं उदयपुर तक, उसके बाद देखते हैं। अब तो खाली अब मंगलवार की होगी, तो चलेंगे मज़े मज़े से। चलो तो दोस्तों चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड शुरू, अब चल पड़ी है गाड़ी, कर दी है स्टार्ट, और ये रहा हाईवे। दोस्तों अब निकल रहा हूँ होटल से, यहाँ से चलते हैं यार, अब क्या करें, ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते, कल शाम का रुका हुआ तो टाइम भी हो गया है, चलना चाहिए अब धीरे धीरे यार। अब दवाई दुई खा के रेस्ट कर रहा था, बढ़िया हो गया अब तो ठीक हूँ, मतलब अब बुखार सा चढ़ गया था दोस्तों। तो ये रहा हाईवे में चढ़ जाएंगे हम,
देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा ट्रेलर जा रहा है। देखो मेरे साइड ड्राइवर साइड से भी निकलेगा, मुझे पास करेगा नहीं। काफ़ी बड़ा है, कार वाला ट्रेलर है, कार वाला। ये देखो आ गया बराबर मेरी राइट साइड में। तो कितना बड़ा होता है देखो, है फोन के कैमरे में भी नहीं आ रहा था पूरा है, कितना बड़ा होता है। उदयपुर रह गया यहाँ से 115, अहमदाबाद 370 किलोमीटर। और दोस्तों हम पहुँच गए हैं दौलतपुरा और शाम के बज गए हैं 6 और चले हुए हैं मज़े मज़े से। और दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है, सांवला जी मंदिर, सांवलिया सेठ का मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है भाई, बड़ी शक्ति है मंदिर में। काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए। ट्रक वाले भी काफ़ी रुकते हैं भाई, सारे ट्रक ड्राइवर रुकते हैं इधर। तो मैं तो वापसी में रुकूंगा अब, तो आपको भी दर्शन कराऊंगा वापसी में। थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ख़राब है ना, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। ये यहाँ पे है मंदिर, तो बोलते असली मंदिर तो अंदर गांव में है। ये देखो यहाँ पे है अंदर मंदिर। ये देखो ये गाड़ी वाले गए हुए हैं दर्शन करने के लिए, देखो टैंकर वाले भी है। देखो इधर है मंदिर, देखो ये है सांवलिया सेठ का मंदिर। देखो इस टाइम काफ़ी भीड़ है इधर, देखो वो देखो नीचे, पहले जब सिंगल रोड होता था तो काफ़ी ट्रक लगे रहते थे इधर। जब से ये 6 लाइन बन गया तो गाड़ी वाले रुक ही नहीं पाते हैं ना, इसीलिए भी थोड़ी दिक्कत रहती है। और हमारे सूर्य देव जी भी अब लाल हो गए हैं, देखो कैसे दिखाई दे रहे हैं लाल। शाम होने वाली अब तो दोस्तों, शाम के हो गए हैं 6:30 और हम चले हुए हैं और पहुंच गए हैं मंगलवाड़ा। और यहाँ पे देखो पंजाबी होटल, न्यू सिरमौर पंजाबी होटल नया खुल गया है भाई, ये पता नहीं मैं आया हूँ काफ़ी टाइम बाद, कब लग रहा है। भोजी होटल काफ़ी सारे खुल गए हैं दोस्तों, होटल ही होटल हो गए हैं मंगलवाड़ा में। ये देखो राजस्थानी गट्टी कितना बढ़िया लग रहा है। बाबा जानते हैं क्या जानते हैं बाबा। और देखो नालागढ़ की गाड़ियां जा रही है दोनों। पालखेड़ी गांव है ये, पालखेड़ी। और ये देखो सफेदे लगे हुए हैं रास्ता में, ये इनको पानी नहीं ना मिल रहा है तभी ये सीधे नहीं हो पाए, ये तभी लटक गए हैं। और ये परे को नहीं, सफेदा तो बिल्कुल सीधा रहता है खड़ा, तो मुझे लग रहा है पानी की कमी से हो रहा होगा ऐसा। ये पहले बार सफेदे देखे मैंने जो ऐसे लटके हुए पेड़ की तरह, नहीं तो सफेदा तो ऊंचा ही जाता लंबा बिल्कुल सीधा। और लो जी दोस्तों मंगलवाड़ा की मार्केट बाहर आ गई है, देखो बाईपास पर। देखो अब देखो पहले सब अंदर थे, बाहर आ गए। अब ये अंदर अंदर बनाया रोड, मैं देखो कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा ना। हाँ ब्रिज बन गया है ना मंगलवाड़ा के ऊपर, हाँ शायद ऐसा हुआ। पर हाँ पुराना रोड तो यही है बाहर, वो देखो पुराना रोड ही है जिधर बाइक चल रही है उधर, ये जाता था सिटी के लिए। हाँ ब्रिज बन गया ना इधर, अब नहीं लगा पता, नहीं तो यहाँ नीचे चौक में जाम ही लगा रहता था। ये कौन सी कंपनी आ गई भाई, ये नई कंपनी आ रही है, बस पुरानी कंपनी नज़र बंद हो रही है, नई कंपनी आ रही है। तो दोस्तों मंगलवाड़ा अपना हो गया है पार, और देख सकते हैं सामने देखो होटल कितना प्यारा बनाया हुआ है। देखो यार ये देखो कितना प्यारा होटल है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग।
इधर से भी दिखा देते हैं आपको, देखो कितना प्यारा होटल है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा होटल था दोस्तों। चले हुए हैं, अब आगे टोल टैक्स आएगा मंगलवाड़ा पार करते ही। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सही बात है भाई, दारू पी कर कभी गाड़ी ना चलाएं। और टोल टैक्स में पहुंच गए हैं, सारे टोल टैक्स खुले डुल्ले बना दिए, बढ़िया। एंड पार्किंग भी कर सकते हैं आप लोग, और ये नींद आ रही हो रेस्ट करना हो रेस्ट भी कर सकते हैं टोल टैक्स के साथ ही। देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है, देखो काफ़ी बड़ा ग्राउंड बनाया गया है दोस्तों, और काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गेट है टोल टैक्स में दोस्तों, और उसी के कारण देख लो जाम भी नहीं है इधर, ना गाड़ियां हैं इतनी, जो गाड़ी आती है स्पीड में ही निकल जाती है। देखना जब से नए टोल बने हैं तो फास्टैग भी एकदम काम करता है, उठ जा भाई, बेइज्जती क्यों करवा रहा, ब्रेक ही लगवा दी इसने तो भाई। चलो उठ गया है, अब तारीफ क्या कर दी यार, ये तो उठा ही नहीं यार, काफ़ी लेट कर दिया। और देख सकते हो टोल पार करते ही गाड़ी वाले रुके हुए हैं, तो शाम का टाइम हो गया है, तो इस टाइम शीशे साफ़ करते हैं लोग, साफ़ सफाई करते हैं गाड़ी की, और पाठ पूजा करते हैं ड्राइवर लोग, और फिर चाय चूय पी कर फिर निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। तो हम तो अपने होटल में रुकेंगे राजू भाई के पास, थोड़ा सा ही रह गया है वो होटल। और देखो अब तो हाईवे में ना डब्बे डब्बे दिखते हैं, देखो कितने डब्बे थे ज़्यादा यहाँ पर देखो। तो दोस्तों 6:36 हो गए हैं, और हमने टोल टैक्स पार कर लिया मंगलवाड़े का, और चले हुए मजे से। देखते हैं यार, अब शरीर तो तबीयत तो सेट है, तो देखो घाट देखते हैं, और रात को तब तो या सो जाऊँगा यहीं पर, क्योंकि अब तो गाड़ी खाली मंगलवार को भी नहीं होगी, क्योंकि मंगलवार को है शिवरात्रि, तो भाई महाराष्ट्र में तो छुट्टी रहती है, बताओ में भी क्या करेंगे जाकर, तो इसलिए अब आराम आराम से चलते हैं, तो दवाई खा लूँगा, खाना खा लूँगा टाइम से, और सो जाऊँगा, और क्या करेंगे। तो चले हुए आगे से, भाई पीछे मुझे इतनी प्यारी गाड़ी दिखाई दे रही है ना, लाइटें लाइटें लगी हुई उसमें, चलो दिखाता हूँ आपको। तो मैंने गाड़ी धीरे कर दी कि ताकि वो मेरे से पास ले ले, तो मैं आपको दिखाऊँ, चलो आपको मैं कैमरे से दिखाता हूँ थोड़ा सा। वो देखो दोस्तों साइड ग्लास में दिख रहा ना आपको पीछे से, वो देखो देखा आप लोगों ने कितनी सारी लाइटें लगी हुई इसमें, चलो मैं धीरे धीरे कर देता हूँ ताकि वो पास ले ले। तो दोस्तों मैंने काफ़ी स्लो कर दी है गाड़ी, गियर भी डाउन कर दिया है, फिर भी वो आ ही नहीं रहा यार, बहुत स्लो चला हुआ, बड़े प्यार से चला हुआ है, मुझे लग रहा है यार रुक ना जाए, वो रुक जाएगा शायद, पर मैंने बहुत ही स्लो कर दिया गाड़ी, मज़े से चल रहा हूँ ताकि वो पास ले ले। मैंने अपनी स्पीड 30 की कर दी है बिल्कुल, और 6 लाइन रोड, क्योंकि मुझे तो बहुत प्यारी लगी गाड़ी, तो सोच रहा हूँ आपके साथ भी शेयर किया जाए। आज मेरे भाई ये तो और स्लो हो गया, मैं स्लो हो रहा हूँ तो ये और स्लो हो गया, पता नहीं। आजा 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 आजा, एक गियर और कर देते हैं डाउन, और कर दिया मैंने गियर डाउन, आजा आजा यार, ओ आजा आजा, क्या हो गया, ब्रेक ही मार दूँ क्या, आ ही नहीं रहा यार, बड़े मज़े से चला हुआ यार, आ जाए तो चलो आपको दिखाता हूँ, अभी आने दो उसको, धीरे धीरे आ रहा है। और शायद है ना अशोक लीलैंड का टेलर है, टेलर है अशोक लीलैंड है या भारत बेंच है, पर भारत बेंच लग रहा है मुझे तो, देखते हैं भी क्या है। आ गया नज़दीक आ गया, चलो दिखाता हूँ आपको बैक कैमरे से, ये देखो दोस्तों आ गया है, देखो अशोक लीलैंड है, देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। पत्थर भरे हुए इसने यार, एन
मौके पर कैमरा ही धोखा दे गया यार, टच ही नहीं काम कर रहा है। देखो इंडिकेटर भी लगाए हुए, देखो अभी दिखाता हूँ, ओवरटेक करता हूँ और देखना कितना प्यारा लग रहा है। पीछे से भी लाइटें लाइटें लगाई हुई इसने बच्चे। कितना प्यारा लगता है। दोस्तों कितना प्यारा था ना, लाइट लगा कर कितना प्यारा लगा था ट्रैक्टर। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। बहुत ज़्यादा लाइट लगाई थी उसका, देखो पूरा आगे से टकमगा रहा है भाई पूरा। तो अपना होटल भी आने वाला है, आ ही गया मतलब। अभी राजू भाई भी गाड़ी देता है यार, क्योंकि मैं यार रात को पहुँचने वाला था ऐसे तो सुबह सुबह मतलब सुबह पहुँच ही जाता, चाहे सो भी जाता तो भी गाड़ी देखा देखना बोलेगा कहाँ था। फ़ोन भी करे हुए थे उन्होंने तो मैं वाई फाई के रेस्ट कर रहा था, गाड़ी भी देगा वो तो पता ही है। अगर गाड़ी देते ही जो अपना समझता है भाई। चलो फिर होटल आ ही गया आगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं राजू भाई के होटल में, तो अभी चाय भी थोड़ी देर करते रेस्ट। राजू भाई से गपशप कर ली, बातचीत कर ली है, तो अभी खाना खाएंगे थोड़ी देर में। तो उतनी देर में थोड़ा जैसा ठंड जैसा महसूस हो रहा है, गाड़ी में ही बैठ जाता हूँ। उतनी देर लगी हुई गाड़ी देखो अपनी, मज़े से, कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ। होटल में अकेली गाड़ी है, देखो होटल में भी लाइटें लूटें लगा दी राजू भाई ने। चलो उतनी देर करते हैं रेस्ट। चलो तो दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ अपने फ़ोन की क्या कंडीशन है। देखो ये अपना फ़ोन है, देखो फ्रंट से देखो ये टूटा हुआ ऐसे, फिर भी चल रहा है भाई। रेडमी 9 प्रो फ़ोन ये देखो, पीछे से भी ये हाल है। तो इसको ऐसे करते हैं ना, देखो ये देखो हो गया अलग है। कई बार इसकी टच अपने आप दौड़ती है, फ़ोन भी अपने आप मिल जाते हैं। ये देखो वो अंदर देखो इसमें ना, ये देखो अंदर से ऐसा, इसमें धूल मिट्टी घुसी हुई, पूरे बुरे हाल है। ये देखो पूरा उठ जाता है ये, इसको नहीं हाथ से पकड़ा हो नहीं तो ये गिर भी सकता है यार, ऐसे हालात है इसके। और फिर भी बहुत ज़बरदस्त चलता है फ़ोन, देखो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। देखो एन चल रहा है, देखो टच पूरा काम करता है। देखो ये देखो फैन दौड़ रहा है, सब कुछ वीडियो वीडियो इससे बनाता हूँ मैं। ये इनशॉट है अपना, तो बाकी ये फाइल मैनेजर अपना यहाँ पे देखो, सारी देखो ब्लॉग एडिट करके रखे बना के दिन के आज। ये देखो और कल वाला ब्लॉग ये अपना, ये देखो चल रहा है ना धड़ाधड़। ये देखो ऐसे चलता है फोन। हेलो दोस्तों, गुड नाइट। रात के बज गए 10। तो राजू भाई से गप सप लगा रहे थे, फिर बैठे हुए थे यहाँ पर, दवाई खा के मैं सो गया था। फिर मैं 9:30 बजे उठा, अभी खाना खुना खाया और अब मतलब रिलैक्स फील कर रहा हूँ दवाई खाने के बाद। यार पता नहीं क्यों हिचकी अभी आ रही है। तो आज का ब्लॉग करते हैं पर एंड। आज छोटा सा ब्लॉग था यार, आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना यार। बताओ क्या है, सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, कम होते ही जा रहे हैं यार, बढ़ते नहीं हैं यार, पता नहीं क्या चक्कर हो गया होगा। तो यार जितने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू।